हालेलुया, सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा है जो हमेशा पूरी होती जाए। आप परमेश्वर के नाम में जयवंत हो, परमेश्वर की महिमा में आप आगे बढ़े। हालेलुया। और शिफा चर्च मिनिस्ट्री की ओर से मैं एक बार फिर से आपका सबका स्वागत करता हूँ, ताकि आप परमेश्वर के नाम में अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। फ्राइडे मीटिंग में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन की बातों को सीखेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। और याद रखें कि पवित्र आत्मा जी हमारे लिए एक सहायक भेजा गया है, जो हमारे हृदय की बातों को जानता है और हमें चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जब भी आप परमेश्वर की हजूरी में बैठो और परमेश्वर के नाम की महिमा जरूर करा किया करो। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ अगर मेरी वॉइस आप तक क्लियर पहुँच रही है तो यस आमीन जरूर लिखें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद। और हम सब ऑनलाइन हो सकते हैं और इस वचन को दूसरों तक शेयर कर सकते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। थैंक यू जीसस। ओके, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद होली स्पिरिट आपसे बात करें आज। पवित्र आत्मा हमारे आज बंधन तोड़े और आज आप हमें नए दिशा की ओर जा सकें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। थोड़ी हाँ ओके। और जितने लोग ऑनलाइन हो रहे हैं सब लास्ट तक ऑनलाइन रहेंगे और सबके लिए स्पेशल प्रेयर हो सके और परमेश्वर के नाम में आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें और अपनी जिंदगी में सारी निराशा को दूर करते हुए, सारी चिंता को दूर करते हुए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। याद रखें कई बार हमारी जिंदगी में जो काम होने होते हैं वो थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं, समय लग जाता है, मगर हमें निराशा नहीं दिखानी चाहिए। हमारी जो निराशा है वह परमेश्वर एक आशा में तब्दील कर देता है। आज मैं आप सबके लिए स्पेशल प्रे करूंगा और परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ से भरेगा और परमेश्वर आपके बंधन तोड़ेगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करेगा। आप बहुत सी चीज़ों के लिए तैयार होने जा रहे हो, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ। बहुत सी चीज़ों को बनाने जा रहे हैं और बहुत सी चीज़ों को खरीदने जा रहे हैं। बहुत सा आप परमेश्वर के नाम में और ग्रेसफुली लाइफ आप जियोगे, एक परमेश्वर की ओर से स्पिरिचुअल लाइफ में आप आगे बढ़ोगे, परमेश्वर के ज्ञान को सीखोगे, आत्मा में आगे बढ़ोगे। और जैसे हम आज एक वचन को बाइबल में से जब हम देखते हैं और यहाँ पर एक शहर के बारे में लिखा है और ये शहर बहुत ही बड़ा शहर है, और जब हम जुना नबी की किताब को देखते हैं बाइबल में से, उपदयाग के आगे जुना नबी की बुक, वहाँ पर एक का जब हम दो वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, उठ उस वड्डे शहर नीनवा नू जा ते उस दे विरुद्ध पुकार, क्यों जो उन्हां दी बुराई मेरे सन्मुख उतां आई है, पर जो ना यहोवा दे हजूरो तरशीश नू भज्जण ले उठिया, ओ काफा वल उतर गया अते उत्थे इक जहाज सी जो तरशीश जाण वाला सी ओ उनू लब पिया, तद उसका भाड़ा दे के ओदे उत्ते चढ़िया, भई यहोवा दे हजूरो उन्हां दे नाल तरशीश नू जावे। और यहाँ पर हम देखते हैं एक बड़े शहर की बात की गई है और एक बिग सिटी, ये बिग सिटी में जहाँ पर ये बिग सिटी क्यों गई कही गई है, और जब नीनवा को देखते हैं इसमें तीन दिन का सफ़र है, जब हम एक साइड से दूसरे साइड तक जाते हैं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाते हैं, तीन दिन का आपको सफ़र करना पड़ेगा।
और ये बात परमेश्वर को पता थी, और ये बात जब परमेश्वर को पता थी और परमेश्वर ने जुनाव को कहा उठ और नीनवा शहर को जा, हालेलुया। और ऐसा बहुत बार होता है, परमेश्वर हमसे जब बात करता है कुछ करने के लिए कहता है, हमारे ऊपर भरोसा रखकर कुछ हमें सिखाने के लिए कोई आज्ञा देता है, कोई हम पर भरोसा करकर परमेश्वर काम सौंपता है, कोई सेवा सौंपता है, हम पर भरोसा करकर परमेश्वर अपना मन हमारे से शेयर करता है, परमेश्वर अपना दिल जो है इंसानों से शेयर करता है, परमेश्वर का जो हृदय है वो दया और करुणा से भरा हुआ है, परमेश्वर का जो दिल है वो पवित्रता से, और परमेश्वर का हृदय मनुष्य जाति के लिए एक दया से भरा हुआ है। वह कभी भी किसी को परेशान देखते हुए कभी भी परमेश्वर उनको ऐसा नहीं कि उनको ब्लेस नहीं करेगा, उनको उनकी परेशानी से बाहर नहीं निकालेगा। परमेश्वर का टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम है, परमेश्वर की ग्रेस आपके लिए बेस्ट है, और मानो के परमेश्वर हमारे इतने करीब रहने वाला है। यहाँ पर परमेश्वर ने जुना को कहा तू उठ और नीनवा शहर को जा, और नीनवा शहर में परमेश्वर ने पहले से बहुत चीज़ें देखी हुई थी। नीनवा शहर को परमेश्वर ने पहले से सुना हुआ था, जुना से पहले परमेश्वर ने नीनवा शहर की पुकार को, चिल्लाहट को सुना हुआ था। वहां पर चिल्लाहट क्या थी, वहां पर नीनवा के लोग बुराई कर रहे थे, पाप कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे, परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे थे। वहां पर इतना पाप हो रहा था कि बहुत, वहां पर इतना गुनाह हो रहा था कि उनकी जो बुराई थी वह परमेश्वर तक पहुंच गए। बहुत गलत रिलेशन हो रहे थे जानवरों के साथ, मनुष्यों के साथ, ये सारी बुराई परमेश्वर के पास पहुंच गई। और लिखा है जब ये बुराई परमेश्वर तक पहुंची और परमेश्वर ने जुना को कहा तू जा नीनवा में, तू नीनवा में जा, वहां पर जाकर बता कि आपकी जो बुराई है परमेश्वर तक पहुंच गई है, और परमेश्वर इसी कारण इस देश को, इस शहर को नाश करने वाला है। तो जुना परमेश्वर की अनाज्ञा कर परमेश्वर के वचन को तोड़कर वहां पर नहीं गया, वह तर्शीश को चला गया, तर्शीश को चला गया, और तर्शीश उल्ट दिशा में है, नीनवा उल्ट दिशा में है। बाइबल में लिखा जुना को काम मिला पर जुना ने नहीं किया, जुना को सेवा मिली, जुना ने अपना मन फेर लिया। और बाइबल में लिखा है जिस जहाज में वो तर्शीश को जा रहा था, तर्शीश को जा रहा था, जब जाते जाते वहां पर एक बड़ा भयंकर तूफान आया और बेड़ी डूबने लगी, सम्मान उठाकर बाहर फेंक दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया, सब लोग चिल्लाने लगे किसके कारण ये बुराई आई है, कौन यहां पर अनाज्ञाकारी है। याद रखें जब एक बंदा बुराई करता है तो उनकी पूरी फैमिली उस बुराई में गिर जाती है, पूरा घराना उस बुराई में गिर जाता है। इसलिए एक गलती के कारण वह सब संकट में आ गए थे, एक जुना के कारण पूरा जहाज डूब रहा था। मगर बाइबल में लिखा है वहां पर पर्ची डाली गई, और पर्ची सबके नाम की डाली गई, और पर्ची निकली जुना नबी की कि ये परमेश्वर के वचन को तोड़कर, परमेश्वर की अनाज्ञाकारी कर आया है। अभी जुना क्या बोल रहा है, आप मुझे ही उठाकर समुद्र में फेंक दो। तो लोगों ने क्या किया, बड़े ध्यान से सुनना, लोगों ने उसको ही उठाकर समुद्र में फेंक दिया। और परमेश्वर ने समुद्र में पहले से एक बिग फिश का इंतजाम किया हुआ था, एक बिग फिश ने उसे ऐसे ही अंदर कर लिया, और लिखा है वह 3 दिन तक मच्छी के पेट में रहा, जुना ने भी 3 दिन तक मच्छी के पेट में रहा। और बाइबल में लिखा है जहां पर परमेश्वर ने उसे भेजना था 3 दिन का रास्ता था, और यहां पर परमेश्वर ने उसे
शुभ समाचार देने के लिए बोला था और परमेश्वर की इच्छा को कहने के लिए बोला था, उस नीनवा शहर का जो रास्ता था वो भी 3 दिन का था, हालेलुया। और 3 दिन फिर जुना नबी को मच्छी के पेट में, गंदगी में, जो भी मच्छी खाती है उससे उसको बैड स्मेल में रहकर, वो बुरी स्थिति में रहकर उसको याद आई कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को तब समझ पाते हैं, तब अपनी गलती को एहसास करते हैं जब वह पूरी तरह टूट जाते हैं, पूरी तरह बिखर जाते हैं, सारे उनके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, जब अपने भी उनको छोड़कर चले जाते हैं, जब दुश्मन हावी हो जाते हैं, जब शैतानी चीजें हावी हो जाते हैं, तब वह टूट कर ये सोचते हैं हमने किया क्या। और जोना ने फिर टूट कर यह सोचा कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था, मैंने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया था, मैंने मुझे जो परमेश्वर ने ड्यूटी दी थी, जो मुझे परमेश्वर ने मेरे ऊपर भरोसा किया था, मैं उस भरोसे को तोड़कर किसी और दिशा में भाग रहा था। लिखा है वह तर्शीश को जाना चाहता था, क्योंकि तर्शीश के लोग जो थे वह भले लोग थे, वह पाप नहीं कर रहे थे, बुराई नहीं कर रहे थे, वो भले लोग थे, इसलिए वह भले लोगों के पास जाना चाहता था। मगर परमेश्वर उसे सख्त मेहनत करवाना चाहता था, परमेश्वर उसकी मेहनत का प्रतिफल उनके देना चाहता था। याद रखें कि परमेश्वर ने नीनवा को बचाने के लिए जुना को भेजा था, परमेश्वर का एक बड़ा दर्शन था, मगर जुना अपने छोटे दर्शन में फंस कर उल्ट दिशा में भाग गया। और जब उल्ट दिशा में भाग गया तो वहां पर इतना बुरा हाल हुआ उसका, मच्छी के पेट में 3 दिन तक रहना पड़ा। मीन के बहुत ही वह क्रिटिकल सिचुएशन में रहना पड़ा, बहुत ही बुरी मुसीबत में रहना पड़ा, बहुत ही ऐसी समस्या जो हम बयान नहीं कर सकते। जब उसने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, और जब उसने सोचा, उसने प्रार्थना की मच्छी के पेट में और परमेश्वर से पूछा मुझे क्या करना चाहिए, तो परमेश्वर ने एक ही शब्द कहा उसे, एक ही वचन कहा, एक ही माइंड में कहा, झा जो परमेश्वर ने कहा उसी को कर, जो तू करने के लिए परमेश्वर ने कहा था वह कर, जिस जगह को परमेश्वर ने तेरे लिए चुना था वहां पर रह, तू जहां पर जा उन लोगों को, नीनवा के लोगों को जाकर प्रचार कर जो परमेश्वर ने तुझे बोला। तू डर कर, तू भय कर, तू यहां पर आ गया मगर परमेश्वर बोलता है तू वहां पर जाए। जब उसने ये फैसला किया, बड़े ध्यान से सुनना, ये परमेश्वर का फैसला नहीं था, अभी किसका फैसला था, अभी जुना का फैसला था। मेरी बेटी, मेरे बेटे, जब तक आपका फैसला स्ट्रांग नहीं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपके लिए स्ट्रांग फैसला नहीं करेगा। जब तक आप परमेश्वर के लिए नहीं दौड़ोगे, जब तक आप परमेश्वर के लिए नहीं चलोगे, परमेश्वर आपके लिए नहीं चलेगा। जब तक आप परमेश्वर के लिए कार्य नहीं करोगे, प्रैक्टिकली, फिजिकली एक्टिविटी नहीं करोगे, दिखाओगे नहीं, तो परमेश्वर भी आपको फिजिकली एक्टिविटी नहीं दिखाएगा आपकी लाइफ में। वहीं पर ही हम रुक जाते हैं, जब हम रुकते हैं तो परमेश्वर रुक जाता है। याद रखें कि आपको रुकना नहीं है, अगर आप रुक जाते हो, आप स्टॉप हो जाते हो, आप कमजोर हो जाते हो, आप निर्बल हो जाते हो, आप पीछे हटते हो, तो परमेश्वर के काम पीछे हटते हैं, और परमेश्वर के काम परमेश्वर कभी नहीं चाहता पीछे हटे। हालेलुया। अगर परमेश्वर के काम रुकते हैं तो हम बहुत ही बैड इंसान हैं। जुना बहुत ही बैड इंसान था, मगर वह समय सर अपने 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 ऊपर परमेश्वर के आत्मा का जलाल देखा मच्छी के पेट में, कि मुझे माइंड में सोचना चाहिए, मुझे करना की चाहिए। मेरी बेटी, अगर आप माइंड में सोच रहे हो, अगर मेरे बेटे आप माइंड में सोच रहे हो आपको करना क्या चाहिए, याद रखे जुना की तरह परमेश्वर आपको आपकी बुरी स्थितियों से बाहर निकालेगा, आपको क्रिटिकली प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, आपको उन मुसीबतों से बाहर निकालेगा जिसका कोई हल नहीं, आपको उन चीजों से परमेश्वर आजाद करेगा जिन चीजों से आप आज तक आजाद नहीं हुए, वह आपको उस स्थिति पर बैठाने जा रहा है
जिस स्थिति पर आपने कभी सोचा नहीं मैं बैठूंगा, जो आपने सोचा नहीं परमेश्वर आपके लिए वह करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसके ओर अपना ध्यान कर रहे हैं, हम अपने वादों को निभा रहे हैं, हम अपनी सोच के मुताबिक नहीं, हम परमेश्वर की सोच के मुताबिक चल रहे हैं। जो स्थिति दुष्ट ने आपके लिए बनाई है, परमेश्वर आपको उनसे बाहर निकाल कर आगे बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया, मैं ये आत्मा में देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, आपकी क्रिटिकली प्रॉब्लम सब हल होने जा रही है यीशु के नाम से। आपके रिलेशन जो बिगड़ चुके हैं वे सुधरने जा रहे हैं, आपके ऊपर जो अनुग्रह उठ गया था फिर से होने जा रहा है, आपके ऊपर जो ग्रेस उठ गई थी वह फिर से होने जा रही है, आप जिन चीजों में फंस गए थे परमेश्वर आपको फिर से निकालने जा रहा है। परमेश्वर बोलता है मैं अगर जुना को मच्छी के पेट से 3 दिन के बाद जिंदा निकाल सकता हूं, क्या परमेश्वर आज की नाइट आपसे बात कर आपके हालातों को नहीं चेंज करेगा? यस आमीन बोलकर रिसीव करें यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कल के बारे में नहीं, मैं आज ही आपकी स्थिति को चेंज करने जा रहा हूं। अगर मैं जुना नवी को उनकी परिस्थितियों से बाहर निकालने जा रहा हूं, ये जुना नवी नहीं, ये आप है मेरी बेटी, ये जुना नवी नहीं, ये आप हो मेरे बेटे। परमेश्वर तेरी स्थितियों को, परिस्थितियों को, सब को बदल देगा, टोटली चेंज कर देगा। मैं ऐसा आत्मा में देख रहा हूं यीशु के नाम से। हालेलुया, मुझे पता नहीं क्यों आत्मा ये आज फील करा रहा है, दिखा रहा है, कोई आज के वचन को बहुत गहरे ढंग से सुन रहा है, गहराई से रिसीव कर रहा है, बहुत करीब एक फैसला ले रहा है। हालेलुया, वो आप हो मेरे बेटे, मेरी बेटी वो आप हो, आपकी ओर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी स्थिति को चेंज कर रहा हूं, पलट कर रख दूंगा मैं यीशु के नाम से, मैं सब कुछ बदल दूंगा, मैं चेंज कर दूंगा, एवरीथिंग तेरे लिए पॉसिबल करूंगा। मुझे नहीं पता वो कौन है, मगर मैं आत्मा में ये फील कर रहा हूं, मेरे हृदय की गहराई मुझे कह रही है पवित्र आत्मा, आज कोई मुझे ऐसे सुन रहा है जैसे आज तक नहीं सुना, आज मुझे ऐसे मेरे शब्दों को रिसीव कर रहा है जो आज तक नहीं रिसीव किए, वह आज की नाइट आपके लिए ब्लेसिंग का द्वार परमेश्वर खोला है। हालेलुया, और मैं देख रहा हूं जुना की परिस्थिति को परमेश्वर ने पलट कर रख दिया, मच्छी के पेट में से वह जिंदा बाहर आ गया। और आपको पता है जब वह मच्छी के पेट से जिंदा बाहर आया और उस बिग फिश को परमेश्वर ने आज्ञा दी इसको जिंदा बाहर निकाल, तो बाइबल में लिखा है उन्होंने बाहर निकल कर क्या किया, सुनना जरा, उन्होंने मच्छी के पेट से जिंदा बाहर निकलकर उसने पहला काम क्या किया, पहला काम उन्होंने सोचा वह कौन सा वे है जिस जो वे नीनवा को जाता है, वह कौन सा जहाज है जो नीनवा को जाता है, वह कौन सा रास्ता है वो जो नीनवा को जाता है, जिस रास्ते को वह निराश होकर छोड़कर चला गया था डर कर, उसी रास्ते पर फिर परमेश्वर ने उसे लेकर आया। जब वह वहां पर आया तो बाइबल में लिखा है नीनवा के लोगों को वह प्रचार करने लगा और नीनवा के लोगों को बताने लगा। जब पहले दिन 1 दिन का उन्होंने प्रचार किया, हजारों लोगों ने यह कहा यह बंदा परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, ये बंदा परमेश्वर की भाषा बोल रहा है, ये जो बंदा बोल रहा है वह सच बोल रहा है। ऐसा लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, ऐसा लोगों ने रिसीव करना शुरू कर दिया, ऐसे लोगों के मन बदलने शुरू हो गए, परमेश्वर की जो इच्छा थी नीनवा के लिए वह पूरी होने शुरू हो गई। मेरी बेटी, बहुत बार हम जब किसी क्रिटिकल मुसीबत में फंसते हैं ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, खुदा का सेवक होने के नाते आप पर मुसीबत आएगी नहीं, आएगी, फंसोगे, मगर परमेश्वर आपको उनमें से निकाल लेगा। इस बात को रिसीव करो यीशु के नाम से, परमेश्वर हमें निकालने वाला परमेश्वर है, हमें पलट कर रख देगा, हमारी स्थितियों को चेंज कर देगा। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ, रबाता लबारे खे तेरे बेबे, मैं किसी रोशन को देख रहा हूँ, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि उनकी लाइफ में परमेश्वर कुछ पलटने जा रहा है, चेंज करने जा रहा है, और रिसीव करो यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस,
थैंक यू जीसस। मैं आज आपको स्पेशल प्रार्थना में लेकर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसे फील मत करें आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, ऐसे फील करें पवित्र आत्मा हमारे सामने हमसे बात कर रहा है, हमें बल दे रहा है, हमें ताकत दे रहा है, क्योंकि ये सब कुछ पलटने जा रहा है, चेंज होने जा रहा है। कई बहनें हैं जो अपने पति के लिए चिंतित हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं ये कैसे होगा, कौन करेगा, इनको कौन बदलेगा, कौन सुधारेगा। आज परमेश्वर पलटने जा रहा है यीशु के नाम से, लाइफ को चेंज करने जा रहा है यीशु के नाम से। अरे बेथाला बारे के तेरे, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। मेरी बेटी मेरे बेटे, तेरे सोचने से पहले खुदा तेरे लिए सोच रहा है, खुदा तेरे लिए सोच रहा है। अगर खुदा ने तुझ पर भरोसा जताया है कि तू परमेश्वर के नाम की महिमा करे, याद रखें कि परमेश्वर ये जानता है कि मैंने तेरे बच्चों को कैसे ब्लेस करना है। परमेश्वर तेरी लाइफ को, कल को जानता है। इसलिए करीब से परमेश्वर को देखे, करीब आए परमेश्वर के, वह हालातों को चेंज करते हुए मैं देख रहा हूं यीशु के नाम से। अरे बेथाला बारीक के तेरे बीबी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। और मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए स्पेशल प्रे करूं। धन्यवाद होली स्पिरिट। और नीनमा के लोगों ने तौबा की, नीनमा के लोगों ने मन फिराया, पूरा देश पूरा शहर तब्दील हो गया, हालेलुया, बदल गया, पलट गया, परमेश्वर के नाम की महिमा करने लगा, हमने पापों को छोड़ दिया, उन्होंने परमेश्वर से माफी मांगनी शुरू की, उन्होंने परमेश्वर से अंगीकार करना शुरू किया, और खुदा ने आसमान खोलकर उन्हें आशीष दी और कहा मैं अपने फैसले को, डिसीजन को चेंज करता हूं, मैंने आपको नाश करना था, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर पूरी तरह पलटने वाला परमेश्वर है, पूरी तरह चेंज करने वाला परमेश्वर है। और नीनमा के लोगों ने जब माफी मांगी तो खुदा ने उनको माफी देकर कहा मैं आपको ब्लेस करता हूं, मैं आपको ब्लेस करता हूं। ऐसे परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, ऐसे ही आपका अंगीकार बड़ा होना चाहिए, आपका समर्पण बड़ा होना चाहिए, आपका परमेश्वर के ऊपर भरोसा बड़ा होना चाहिए, रिलेशनशिप परमेश्वर से बड़ी होनी चाहिए, एक लव होना चाहिए परमेश्वर से, एक ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए अटूट जिसको कोई तोड़ ना सके, एक आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा होना चाहिए जिसको कोई भी तोड़ ना सके, कोई भी मरोड़ ना सके, कोई भी उसे खराब ना कर सके। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं जितना बड़ा आपका समर्पण परमेश्वर के लिए है उतना बड़ा परमेश्वर की सामर्थ का बादल आप पर ठहरेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो लोग आशीष पा रहे हैं, जो लोग एक फैसला स्ट्रांग लेने जा रहे हैं, खुदा उनके लिए स्ट्रांग फैसला ले रहा है। थैंक यू जीसस। मैं पढ़ते हुए देख रहा हूं लोगों ने अपना मन खोला परमेश्वर के लिए। आज परमेश्वर आपके मन परमेश्वर के लिए खुल रहे हैं, आपका दिल परमेश्वर के लिए खुल रहा है, चेंज होने जा रहा है, चेंज होने जा रहा है, बहुत से परिस्थिति चेंज होने चाहिए। अरे बेथाला बारीक खे थेरे बेबे, थैंक यू जीसस। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं वन बाय वन कर हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आज टेस्टमनी सेंड कर सकते हैं, अपनी प्रार्थना पॉइंट सेंड कर सकते हैं वन बाय वन करके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। परविंदर कौर दे लिए प्रार्थना करांगे, थैंक यू जीसस। परविंदर कौर दे लिए मैं प्रार्थना करता हाँ। मैं इस तरह देख रहा हूँ तो लाइफ दे विच जो डिस्टर्बिंग है वह इवल स्पिरिट दे द्वारा है। बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए आप डिसीजन नहीं ले रहे हो। पहले अपनी डिसीजन लेना सीखें, पहले अपना फैसला लेना सीखें, तो परमेश्वर आपके फैसले को मोहर लगाएगा, वैसा ही परमेश्वर आपके लिए करेगा। क्योंकि ये डिस्टर्बिंग ये दुष्ट की ओर से है, और मैं चाहता हूं परविंदर कौर यीशु के नाम से सारी डिस्टर्बिंग से बाहर आ जाए, सही डिसीजन ले सकें। रेखे तलाबार एक खेतरे, जो इनके खिलाफ है वह इनके करीब आकर इनके ओर हो जाए यीशु के नाम से, पलट जाए जीवन इनका, बदल जाए स्थिति यीशु की समर्थ के द्वारा। रब्बा तलाबार एक खेतरे, प्लीज टच एंड ब्लेस लॉर्ड यीशु के नाम से, आमेन। अपने प्रेयर पॉइंट, अपनी टेस्टमनी हम सेंड कर सकते हैं ताकि पवित्र आत्मा हमें चलाए।
भूपिंदर सिंह, भूपिंदर सिंह अनिल कुमार दिले प्रार्थना करांगे, भूपिंदर सिंह और अनिल कुमार, ओके, थैंक यू जीसस। मैं देख रहा हूँ दोनों ही ऐसे एक परिस्थिति में फंसे हुए हैं, एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम में, एक कर्जे की प्रॉब्लम में, एक ऐसी परिस्थिति में जिनसे ये बाहर निकलना चाहते हैं, और प्रभु का नाम इनको बाहर निकालेगा, प्रभु की सामर्थ्य इनको बाहर निकालेगी, परमेश्वर पलट देगा। यीशु के नाम से पविंदर सिंह के लिए और अनिल कुमार के लिए मैं स्पेशल प्रार्थना करता हूँ, ब्लेस कर इनके लिए यीशु के नाम से। प्रभु तेरी सामर्थ्य इनके लिए खुले, तेरा अभिषेक इनके लिए खुले यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। मनीषा के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु की सामर्थ्य आप पर ठहरे और परमेश्वर का नाम महिमा पाए। रेबे थलाबारे के तेरे बेबे परिस्थितियां चेंज हो जाएं, लाइफ चेंज हो जाए, घर चेंज हो जाए, प्रभु परमेश्वर इनके ड्रीम्स क्लियर हो जाए, पूरे हो जाए यीशु के नाम से, एग्जाम क्लियर हो जाए यीशु के नाम से। हेल्प कर परमेश्वर, यू आर वंडरफुल गॉड, हालेलुया। प्लीज टच रबा थलाबारे के तेरे एंड ब्लेस लॉर्ड यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। स्तनाम के लिए प्रार्थना करेंगे, ओ रबा थलाबारिक के तेरे बीबी। अगर आप ऑनलाइन हो तो अपने दिल को छुएं, अपने हार्ट पर एक हाथ रखें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, बल से भरे परमेश्वर, इनके जीवन को क्लियर करें परमेश्वर। बैड रिलेशनशिप मैं तोड़ता यीशु के नाम से, और परमेश्वर तेरे करीब आए तेरा बेटा, लॉन्ग लाइफ को रिसीव करे यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, गुड हेल्थ दे, एवरी वीकनेस यीशु के नाम से चली जाए, कमजोरियां चली जाए। रे बेथा लबारिक के तेरे बेबे, प्रभु अपने बेटे को आत्मा में बड़ा परमेश्वर, स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो हो जाए यीशु के नाम से, स्पिरिचुअल लाइफ बढ़े यीशु के नाम से, तेरा बेटा तेरे लिए खड़ा हो जाए यीशु के नाम से। प्लीज टच एंड हील लॉर्ड यीशु के नाम से, आमीन। यस थैंक यू जीसस। ममता अते जसवीर दे लिए मैं प्रार्थना करांगा, उन्होंने बंधन टुटन प्रभु दे नाम दे विच। रे बेथला बारिक के तेरे बेबे, जिन्हां चीजां दे विच फसे होया आजाद हो जाण, बोझ चला जाए यीशु दे नाम विच। टच नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आजाद कर अपने बच्चों को, फ्री कर, सारी टेंशन चली जाए यीशु के नाम से, आमेन। थैंक यू जीसस। ओके, ममता अते उन्होंने फैमिली के लिए प्रार्थना करांगे, और मैं चाहना ममता अते तुसी सारी फैमिली और परमेश्वर ने तुहानू एक बड़ी ब्लैसिंग दे नाल ब्लैस किया है। अपनी टेस्टमनी जरूर चर्च दे विच आके दिओ, ताकि लोग थोड़ी टेस्टमनी द्वारा ब्लैस हो सकन। परमेश्वर ममता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, फैमिली ले सारे बंधन तुसी तोड़ देते, गुड न्यूज़ ना भरता, कमजोरियां जान और फाइनेंशियली प्रॉब्लम जाए, जॉब मिले, अगे कदम बदन यीशु दे नाम विच, सब इलबलावां तो हमेशा आजाद रहन यीशु दे नाम विच, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। मनीषा सैंप के लिए प्रार्थना करांगे, ते उनकी फैमिली लिए प्रार्थना करांगे। एवरी वन परमेश्वर के नाम में ब्लेस हो जाए, सारा क्लेश नशा चला जाए, सारी डिस्टर्बिंग चली जाए, जो नहीं हिला वह हिले, जो नहीं हो रहा वह होए, परिस्थितियां चेंज आए, पलट जाए यीशु के नाम से, ब्लेस कर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन। और मनीषा सैंपले मैं कुछ देख रहा हूँ, आप केयरफुल चले अपनी फैमिली में, और परमेश्वर के नाम को जितनी महिमा दे सकते उतनी दे, ताकि कोई भी शैतान हमारी जीवन में, लाइफ में डिस्टर्बिंग ना कर सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद होली स्पिरिट। जनरल सिंह के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज प्रार्थना को सुना, आगे भी सुन परमेश्वर, एक नए बीजे से ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से। राइट नाउ प्लीज टच एंड ब्लेस लॉर्ड यीशु के नाम से, आमीन। जल्द हम इस गुड न्यूज को देखने जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आत्मा में। थैंक यू जीसस।
एंजल ठाकुर के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए परमेश्वर टच करे और ब्लेस करे। रे बेताला बारिक के तेरे में भी प्रभु, जिनके पास तेरा आत्मा है वे ब्लेस होते हैं। खुदा शूले अपनी बेटी को टच कर और स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो कर, प्रेयर में ग्रो कर। जो प्रभु ये पर्सनल लाइफ में मांग रही है वह इनके लिए हो जाए। जो किसी को बता नहीं है मगर फिर भी मांग रही है, परमेश्वर इनके लिए हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के नाम से आमेन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट। और सबको बीच में मैं गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। और शिफा चर्च भवन बड़े जोरों से बन रहा है, हर रोज काम चल रहा है और आप वहाँ पर सेवा कर सकते हैं, अपने बीज बेच सकते हैं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी हम एक सुंदर भवन देख सके, प्रभु के भवन में जाकर आराधना और एक ग्रेट जो ओपनिंग है वह कर सकें। हालेलुया। और जल्दी ये समय आएगा और मैं चाहता हूँ सबको मुबारक है। आप बहुत से फोटोज नेट पर देख रहे हैं, इंटरनेट पर, फेसबुक पर देख रहे हैं। शिफा चर्च में अभी तक काफ़ी तैयार हो चुका है, अभी भी बहुत काम बाकी है और बहुत सेवा बाकी है। हमने सब ने मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है। हालेलुया। इसलिए जितना हो सके धन्यवाद परमेश्वर का करते हुए। और इस संडे स्पेशल ले हैंड प्रेयर है, स्पेशल ले हैंड प्रेयर एवरीवन। और आप इस ले हैंड को रिसीव कर सकते हो और अपने जीवन में आशीष पा सकते हो। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ प्रभु के भवन में, शिफा चर्च भवन में आप आए और जो न्यू भवन बन रहा है न्यू लैंड में उसको देखें, वहां पर जाकर थोड़े समय के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, ताकि परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठा सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, अंजू बाला के लिए, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करेंगे। ओके, थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओके, प्रेयर मिशा के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उनको छुए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मिशा के लिए, प्रभु टच कर यीशु के नाम से मिशा को। रे बेथाला बारिक के तेरे बेबे, उनकी लाइफ में आगे बढ़ा, बड़े फूले, तेरे नाम को महिमा दे। सारे रुके काम बने, शैतानी चीजें उखड़ कर जाए, इन पर कोई भी बुरी नजर ना आ सके, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस। सर्वजीत के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर आपको अच्छी इस गुड न्यूज में चला रहा है, परमेश्वर आपको बरकत दे। प्रभु प्रवेश सर्वजीत के लिए, उनकी फैमिली के लिए और जो भी खुदावन खुदा उनके घर में मैरिज होने जा रही है उनको ब्लेस कर। सारे इंतजाम को यहोवा करे। और परमेश्वर तूने इंतजाम किया काना गलील में जब तू गया उस शादी में तूने इंतजाम किया, यहां पर भी इंतजाम कर, यीशु के नाम से आमेन। थैंक यू जीसस। सुरेंद्र कुमार के लिए प्रार्थना करांगे परमेश्वर के नाम दे विच। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद होली स्पिरिट। सुरेंद्र कुमार को छुए, लाइफ चेंज हो, पलट जाए यीशु के नाम से। सारा गुस्सा चला जाए, सारी बेचैनी चली जाए, सारी उलझने चली जाए, कलेश चला जाए, मैं डांटता हूं यीशु के नाम से, ताकि प्रभु का नाम महिमा पाए, यीशु के नाम से आमेन। थैंक यू जीसस। बलवीर कॉल के लिए प्रार्थना करेंगे और सब बैक पेन चला जाए यीशु के नाम से। अपने जहां भी दर्द हो रहा है हाथ रखे यीशु के नाम से। बलवीर कौर, प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, टच कराए, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, फ्री हो जाओ यीशु के नाम से, सारा दर्द चला जाए, मैं डांटता हूं यीशु के नाम से, यीशु के पावर से, यीशु के नाम से आमेन। थैंक यू जीसस। ओके, थैंक यू जीसस। नेक्स्ट प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रदीप के लिए प्रार्थना करेंगे और उन्होंने फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट। परमेश्वर की सामर्थ्य आप पर ठहरे, आप परमेश्वर के वरदानों से भरे, ताकतों से भरे, आपका मुंह परमेश्वर के शक्ति से भर जाए, सारी डिस्टर्बिंग चली जाए, वीकनेस चली जाए, कमजोरियां चली जाए। इस बार आप ब्लेस हो रहे हो, इस बार आप आत्मा में ग्रो हो रहे हो,
इस बार कुछ नया चेंज होने जा रहा है यीशु के नाम से। रिसीव करो रबा थला बारी के तेरे बीबे, हालात चेंज हो जाए यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट। बलजीत सिंह लिए प्रार्थना करांगे, और सारा ड्रिंक द आत्मा नु छड़े, सब गंदियां बदरुआ नु छड़े, शराब द आत्मा जाए, नशे द आत्मा जाए, कमजोरियां द आत्मा जाए, इवल स्पिरिट द आत्मा जाए, उन्हें छड़ के चेंज हो जाए, पलट जाए उदा जीवन यीशु दे नाम च, आमीन। और बलजीत सिंह दे लई मैं आत्मा विच देख रहा एक बहुत बड़ा नुकसान जिहड़ा उहदे लई होण जा रहा आ, पर मैं चाहना कि मैं उसके प्रेर करता रहा, तो उन्होंने जल्दी प्रभु की हजूरी के लैके आओ ताकि बड़े नुकसान तो बच सके जो शैतानी आ, ताकि पवित्र आत्मा सेव कर यीशु के नाम, आमीन। थैंक यू जीसस, ओके थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 होली स्पिरिट। ओके धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद रब ताला बारिक के तेरे में। गोपी के लिए प्रार्थना करांगे, परमेश्वर पिता गोपी को छुएं, यहाँ पर भी हैं, उनकी लाइफ को आगे ग्रो करें परमेश्वर, बड़े फूले परमेश्वर, जहाँ रुक गया है वहाँ से चलें, डिसीजन लें परमेश्वर, कोई बल स्पिरिट की ताकत उनको टच ना कर सके यीशु के नाम से। हमें मैं ऐसी कुछ उलझने देख रहा हूँ जिनके लिए वह फंस चुका है, परमेश्वर उनको बाहर निकालने जा रहा है, जल्दी परमेश्वर बाहर निकालेगा। राहुल के लिए प्रार्थना करेंगे और उनके फ्यूचर के लिए प्रार्थना करेंगे। अरबा थला बारे खे तेरे बेबे, प्रभु राहुल को तूने छुड़ाया है प्रभु जादू टूनों से, काले लमों से, अभी उनकी लाइफ को फ्यूचर को तू ही ब्लेस कर, अभी उन पर कोई अटैक ना होने पाए, कोई जादू टूने का असर ना रहने पाए प्रभु, अपने बेटे को छुएं और ब्लेस करें, टच करें, आगे बढ़ाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू जीसस, और अरबा थला बारे खे तेरे बेबे, ओके थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अजय दे लिए प्रार्थना करांगे जो मलेशिया दे विच है, उन्होंने वीजा नू और वीजा मिलने के लिए प्रार्थना करांगे। मैं देख रहा जल्दी असी इस गुड न्यूज़ ना ब्लैस होवांगे, परमेश्वर उन्होंने जल्दी ब्लैस करेगा, और मैं प्रार्थना करांगा। परमपिता परमेश्वर अजय कुमार दे लिए प्रार्थना करता प्रभु, अजय दे लिए छुओ उन्हों, उहदे जीवन नू छुओ, जिते किते भी आ परमेश्वर तू महान आ, तू साड़ियां सोचां नू बदलने वाला परमेश्वर आ, नीनवां दे लोकां दे मनां नू बदलने वाला परमेश्वर आ, अपने बेटे दे मन नू बदलो और तेरे वालों ब्लैस हो सके, तेरे वालों छुटकारा पा सके, तेरे वालों गुड न्यूज़ पा सके, और परमेश्वर जल्द वो न्यू वीजे दे नाल ब्लैस हो जाए। अरे बेथा रबा रेखे तेरे बेबे, प्रभु जेड़े भी बंदर आ, जेड़ियां भी रुकावटां, जेड़े भी कम बनने आ यीशु नाम विच खुल जाण परमेश्वर, तेरा बेटा ब्लैस हो जाए, ब्लैस हो जाए, ब्लैस हो जाए यीशु के नाम विच, आमीन। थैंक यू जीसस, ओके थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हानी के लिए प्रार्थना करांगे ताकि परमेश्वर उन्हें सही ठिकाने के उत्ते, सही जगह के उत्ते रखे, और परमेश्वर सही उहदे लई डिसीजन ले सके। हानी के लिए मैं प्रार्थना करता परमेश्वर जल्द अपने घर के विच देखिए उन्हें, अरे बेथाला बारी खेतरे प्रमाण वाली दुष्ट आत्मावां जाण, खुदावंद खुदा दे लाइफ नू बर्बाद करन वालियां दुष्ट आत्माओं नू छड्डण, मेरी स्पेशल प्रार्थना प्रभु तेरे बेटे दे लई शूले प्रभु, अपने बेटे नू और बच्चा ले यीशु दा नाम लेके, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद। जन्नत दे लई प्रार्थना करांगे, जन्नत अगर ऑनलाइन है उहदे दिल दे उत्ते हथ रखो, प्लीज टच एंड ही लॉर्ड, प्लीज टच एंड ही लॉर्ड। जन्नत परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करे, सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ को छोड़कर चली जाए, द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस, ओके। बहुत से लोग कंग्रेचुलेशन दिख रहे हैं भवन के लिए, और आपको भी कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आप शिफा चर्च मिनिस्ट्री के एक हिस्सेदार हो, पार्टनर हो, जिसके द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं, हालेलुया। और आपको भी परमेश्वर आगे बढ़ाए, और परमेश्वर आपके हालातों को चेंज करे। अनीता के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि सामर्थ्य परमेश्वर आपको छुए, आपकी जिंदगी को चेंज करे, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो हो। अरे बेथाला बारे के तेरे बे, तूने कहा मांग मैं तेरे मुंह को भर दूंगा, प्रभु अपनी बेटी के मुंह को भर दे ब्लेसिंग से, अपने छुटकारे से, अपने वचन से, अपनी सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से,
फील करो कि खुदा की समर्थ तुझ पर ठहर रही है। रब्बा थल्ला बारिक है तेरे बेबे, कुछ निशान मैं तेरी बॉडी पर देख रहा हूँ, वो हट रहे हैं यीशु के नाम से। प्रभु आपको हील कर रहा है, प्रभु आपको चंगा कर रहा है, प्रभु आपको क्लियर कर रहा है यीशु के नाम से, आमेन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मनप्रीत कौर दे लिए प्रार्थना करांगे और उन्हां दी फैमिली दे लिए प्रार्थना करेंगे। मनप्रीत प्रभु दे भवन दे विच जल्दी सब पहुंचना शुरू करो परमेश्वर दे नाम दे विच, और थोड़ी फैमिली भी जो वीक हो रही है, पिछे जा रही है, बंदरां विच जुड़ रही है, मैं अज सारे बंदरां नूं तोड़ांगा। मनप्रीत कौर दे लिए प्रार्थना करदा प्रभु, अपने बच्चों महिमा दे लिए खड़ा कर, सामर्थ नाल भर, और परमेश्वर जिहड़े वरदान प्रभु इन्हां दे उत्ते खुदावन खुदा आने हैं और रसीव करन, जिहड़ी बरकत आनी और रसीव करन, सब पिछे धकेलण वालियां आत्मा जान यीशु दे नाम विच, यीशु दे नाम दे विच, आमीन। थैंक यू जीसस। सीमा ते सुखविंदर दे लिए प्रार्थना करांगे, अगर तुसीं ऑनलाइन हो अपने दिलां उत्ते हथ रखो दोनों जान, प्रभु की ब्लैसिंग तुहाडे उत्ते ठहर रही है, प्रभु का अभिषेक ठहर रहा है, प्रभु थानू ग्रो करने जा रहा, प्रभु बढ़ाने जा रहा, फिजिकली तौर पर स्पिरिचुअल तौर पर प्रभु की सामर्थ को रिसीव करो। रेबे थाला बारे के तेरे बेबे, और जल्द थोड़े घर के गुड न्यूज़ में मैं देख रहा आँदे हुए, हालेलुया, और जल्द परमेश्वर के वड्डे काम तुम देखोगे अपनी जिंदगी। अज ही मैं शैतानी चीज़ों बंधदा तोड़दा खाड़ के बाहर फेंकदा यीशु की सामर्थ के नाल, आमेन। थैंक यू जीसस। ओके, और अंजू बाला दे हसबैंड के लिए मैं प्रार्थना करांगा ताकि परमेश्वर उन्हों हेल्प करे उन्होंने टमोरो मीटिंग दे विच। ओके, परमेश्वर पिता मैं अंजू बाला दे हसबैंड के लिए प्रार्थना करदा, इनको छूए प्रभु, और तू महान है, तू हमें खींचने वाला परमेश्वर है, आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। सब मीटिंग है, मैं एक मीटिंग नहीं सब मीटिंग के लिए ब्लेसिंग मांगता हूँ यीशु के नाम से, आमेन। थैंक यू जीसस। अश्वनी कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं, पाली के लिए प्रार्थना करते हैं, पाली को परमेश्वर टच करा है, मैं देख रहा हूं बड़े बोझ के नीचे दबा हुआ है और कई चीजें उनकी लाइफ में शैतानी चीजें काम कर रहे हैं, जादू टूने के काम कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करेगा जब आप परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ोगे। थैंक यू जीसस। रीटा के लिए प्रार्थना करांगे ताकि पवित्र आत्मा नु छुए और परमेश्वर की समर्थ दे उत्ते ठहरे, आजाद हो जाए यीशु दे नाम विच, आजाद हो जाए यीशु दे नाम विच, ताकि तेरा नाम महिमा पाए यीशु दे नाम विच, आमेन। और मेरी स्पैशल प्रार्थना मक्खन लाल अते उन्होंने फैमिली के लिए, उन्होंने बिजनेस के लिए प्रभु की समर्थ ठहर जाए, हालेलुया। प्रभु तूने कहा तू टुकड़े मांगता हुआ नहीं नजर आएगा, तू ब्लेसिंग के साथ बढ़ेगा, तेरा बिजनेस बढ़ेगा, तू परमेश्वर के नाम में बना रहे, और परमेश्वर में जो बना रहता है वह बहुत फल देता है, बहुत आगे बढ़ता है यीशु के नाम से। सारी वीकनेस कमजोरी इनकी फैमिली को छोड़कर जाए और आने वाला समा आशीष लेकर आए यीशु के नाम से, आमेन। थैंक यू जीसस। गुरजोत के लिए प्रार्थना करदा ताकि पवित्र आत्मा उन्हें भविष्य परमेश्वर के नाम के कंट्रोल लैके आए, गरजोत परमेश्वर की आत्मा समर्थ छुए प्रभु, टच करे प्रभु, सारिया परमेश्वर वीकनेसा जान बॉडी दे विचों शरीर नु छुओ, ओदे आत्मा नु छुओ पवित्र आत्मा जी, अभी राइट नाउ परमेश्वर रबा जो मुझे तू फील करा रहा है इनके लिए, वह पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हेल्प कर, वह पूरा हो जाए यीशु के नाम से, ताकि तेरा बेटा जल्द प्रभु एक नई ब्लेसिंग से ब्लेस होकर हील होकर आगे बढ़े यीशु के नाम से, आमेन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। धन्यवाद होली स्पिरिट। प्रिया के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु सारी वीकनेस कमजोरी जाए, उनकी आंखों को छुए, बॉडी को छुए, और बेटी चंगी हो जाए यीशु के नाम से, आमेन। थैंक यू जीसस। ओके, अशोक कुमार आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपकी मीटिंग के लिए राइट नाउ अभी हम प्रार्थना कर हटे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। ओके, संदीप के लिए प्रार्थना करेंगे
और एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर मैं तेरा दास तेरे बेटे के लिए संदीप के लिए प्रार्थना करता हूँ। जेल की नींहें हिल जाएं, वकीलों के मन बदल जाएं, जजों के मन बदल जाएं। प्रभु तू वो कर जो खुदा तेरी सामर्थ कर दिखा रही है। प्रभु नीनमा के लोगों को तूने माफ किया, अपने बेटे को माफ कर और बाहर निकाले यीशु के नाम से। सारे शैतानी चीजें बंधन टूटते जाए, बिखरते जाए, तेरे लोग ब्लेस होते जाए यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस। ओके, जसविंदर कौर के लिए और मक्खन सिंह के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर मक्खन सिंह को और जसविंदर कौर को ब्लेस कर, इनके ऊपर तेरा अनुग्रह चाहते हैं परमेश्वर राजा। इनको छुए, इनकी बीमारी को छुए, इनके इनके दिलों को छुए, मन बदले, आत्मा में आगे बढ़े, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़े, तू ही परमेश्वर जो जान सके यीशु के नाम से। आमीन। रबा रबा थलबा रेखे तेरे बेबे मन प्रीत अते दीप दिले प्रार्थना कर दिया। मन प्रति अते दीप दी मैं पिक्चर मंगाना चाहना लाइव, व्हाट्सएप नंबर दे उत्ते लाइव पिक्चर जरूर सेंड कर ताकि इन्होंने लगातार हम प्रार्थना कर सकी। परमपिता परमेश्वर मनप्रीत और दीप दिले मेरी स्पेशल प्रार्थना है, इसी समय इनको छुए, ब्लेस करें, आगे बढ़ाएं ताकि सामर्थ्य परमेश्वर तेरी सामर्थ्य इन पर नजर आए, आगे आने वाले जीवन में आशीष पाए यीशु के नाम से। ज्योति के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी उनकी जॉब के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जहां तू रखना चाहता है वहां रख, एक नई जॉब से ब्लेस कर, गुड जॉब से ब्लेस कर और स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ा। सारी वीकनेस कमजोरी जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद होली स्पिरिट। ओके, कुलविंदर संधू के लिए प्रार्थना कर दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद होली स्पिरिट। कुलविंदर संधू के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। थैंक यू जीसस। मैं चाहना कि परमेश्वर की हजूरी दे तुसी बनो, क्योंकि परमेश्वर सानू बनाने वाला परमेश्वर है, चलाने वाला और साड़ी लाइफ नू लॉन्ग करने वाला परमेश्वर है। रब थला बारीक खेत्रे में गुड हेल्थ दे मैं स्पेशल प्रार्थना करदा। कोई इवल स्पिरिट का चक्कर यदि लाइफ च ना एंट्री करे, कोई दुष्ट आत्मा का चक्कर यदि लाइफ च ना एंटर करेंगे, कोई दुष्ट की बीमारी इनू ना लगे, परमेश्वर क्लीयर करे दी हेल्थ नू और इनकी फैमिली नू ब्लैस कर यीशु नाम विच। सब ब्लैक पंचल आ जाए यीशु नाम विच, हनेरा शैतान दा खत्म हो जाए, सारा डर इन्हां दी जिंदगी च खत्म हो जाए, सारी कमजोरी सारी शर्मिंदगी इन्हां दी लाइफ चो चली जाए। परमेश्वर पिता तुहाडे बेटे नूं इहदे फ्यूचर नूं तुहाडे हत्थां विच सौंपदा यीशु दे नाम विच। आमीन। थैंक यू जीसस। मनजीत कौर दे लई प्रार्थना करांगे। मनजीत कौर अगर तुसीं ऑनलाइन हो अपने पेट दे उत्ते हथ रखो, सारियां रसौलियां रिमूव हो जाण यीशु नाम विच, सारियां रसौलियां रिमूव हो जाण। Remove in the name of Jesus Christ. Remove in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से चलिया जाए, राइट चली जाए, निकले रसौली बाहर यीशु की सामर्थी। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद होली स्पिरिट। और मैं चाहता हूं कि जिन जिन लोगों के लिए प्रार्थना हो रही है, जब भी आप गुड न्यूज से ब्लेस होते हो एक टेस्ट मनी जरूर सेंड करना। थैंक यू जीसस। ओके, कुलदीप कौर के लिए, उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं चाहता हूँ जब हम प्रभु में हैं तो शैतानी अटैक हम पर हो सकते हैं मगर असर नहीं होंगे। प्रभु उनकी पूरी फैमिली को मैं ब्लेस करता हूँ, शैतानी अटैकों से आजाद करता हूँ, हर वीकनेस कमजोरी से, बीमारी से, कमजोरियों से बाहर आ जाए। थैंक यू जीसस। जो शैतान ने लूटा, खुआ, खराब हुआ, हजार गुना करके इनको वापस लूंगा यीशु के सामर्थ्य द्वारा। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। रेनू बाला के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इनको छुए, बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, आगे बढ़ाएं, अपनी महिमा के लिए खड़ा करें यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस। और बहुत से प्रार्थना पॉइंट हैं और सबके लिए वन बाई वन करके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और याद रखें, ये एक एक प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और आपको ब्लेसिंग से भरेगा। थैंक यू जीसस। ग्रेस रानी के लिए प्रार्थना करते हैं। ग्रेस रानी, अगर आप ऑनलाइन हो अपने दिल पर हाथ रखें
और फील करें कि होली स्पिरिट आपको छू रहे हैं और आपकी वीकनेस कमजोरी आपको छोड़कर जा रही है परमेश्वर यीशु के नाम से। हालेलुया। अपने आपको अपसेट ना रहने दें, अपसेट ना होने दें, सारी अपसेट की आत्मा यीशु के नाम से चली जाए। परमेश्वर अपनी बेटी को छुए और गुड हेल्थ बना, गुड माइंड बना परमेश्वर, और जो तू इनके लिए करने जा रहा है यीशु के नाम से वह प्रकट हो जाए। रब थला बारीक है तेरी बेबी यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। मोहन मोहन कौर के लिए प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर मोहन कौर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, छुए इनको, टच करें, गुड हेल्थ दें, सारी वीकनेस जाए यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। अभी हम कॉमन प्रार्थना करेंगे, और क्योंकि टाइम हो चुका है कि हम इस मीटिंग को क्लोज करें, और जितनों की प्रार्थना पॉइंट हुए हैं वे सब की सब रिसीव करो कि सुनी जा चुकी है। परमेश्वर पिता जल्दी आपको गुड न्यूज़ से ब्लेस करने जा रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट। प्रिया के लिए प्रार्थना हो चुकी है, परमेश्वर उसको चंगा कर रहा है। ओके, कृष्णा कुमार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता कृष्णा कुमार को छुएं, ब्लेस करें और इनके घर को सुधारें परमेश्वर, मेरी स्पेशल प्रार्थना है, और सारी समस्या जाएं, बरकत ठहरे घर में, क्लेश का आत्मा जाए, ताकि प्रभु की सामर्थ्य इनको नजर आए यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। राजीव तेरे मैं प्रार्थना करता हूँ, परमपिता परमेश्वर तेरे कदम होने दिन आते हर शब्द इदले चंगियाई लैके आवे, हर शब्द इदले बरकत लैके आवे, और तू पलटने वाला परमेश्वर, चेंज करने वाला परमेश्वर, बहुत सारिया चीजा थोड़ी जिंदगी हूँ चेंज होने जा रही, मैं देख रहा बदलाव होने जा रहा है, रिसीव करो, आने वाले समय के देखोगे, ताकि पवित्र आत्मा थानू थोड़े मनोरथा के नाल ब्लैस करे यीशु के नाम के, आमेन। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद रब्बा थाला बारिक के तेरी बीबी। मनजीत कौर के लिए ऑलरेडी प्रे हो चुकी है, उनकी रसौलियाँ रिमूव हो चुकी है, विश्वास के साथ रिसीव कर लो। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद। ओके, एक बार फिर से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, कंग्रेचुलेशन कहता हूँ प्रभु के भवन के लिए, शिफा चर्च भवन की जो शेड है वो बननी शुरू हो चुकी है, और शेड काफ़ी कंप्लीट होने जा रही है, और अभी भी बहुत सा काम है जिसके लिए सब लोगों ने प्रार्थना करनी है और अपने बीज भेजने हैं प्रभु की सेवा के लिए, आनंद से, खुशी से, ताकि परमेश्वर का शिफा चर्च का भवन जल्दी से कंप्लीट हो सके और एक ग्रेट ओपनिंग हम कर सके मिलकर, और एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे वहाँ पर जब हम उसको ओपनिंग में लेकर जाएंगे, मगर अभी अभी उसका अधूरा काम है। प्रार्थना में रहें सारे, दुआ में रहें, ताकि परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष से आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। अभी मैं कॉमन प्रार्थना करूँगा, मेरे साथ सब प्रार्थना में शामिल हों। रेबे थाला बारेक, इस स्क्रीन पर जिन्होंने प्रार्थना पॉइंट नहीं भी भेजा मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके घरों में भी आशीष आए, देशों विदेशों में जितने तेरे बेटे बेटियां रहते हैं उनके जीवन में आशीष आए प्रभु, जो बाहर जाना चाहते हैं उनको आशीष आए प्रभु, जो बाहर से आना चाहते हैं उनको आशीष आए। हर एक कंट्री के लिए मेरी प्रार्थनाएं, हर एक बेटे बेटे के लिए प्रार्थनाएं, परमेश्वर एक एक जन को आत्मा में बढ़ाए, कर्जे की आत्मा जाए, जो भी रुके हुए काम में बने, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हों, प्रभु की सामर्थ्य इन पर ठहर जाए, प्रभु का अभिषेक इन पर ठहर जाए, इनके फैमिली मेंबर ब्लेस हों, क्लेश की आत्मा जाए, शैतानी बंधन टूटे, जादू टूने टूटे, काले लमत जाए, बुरा ख्वाया उल्टियों के द्वारा बाहर आए, रसौलियां रिमूव हो, पत्थरियां रिमूव हो, कैंसर रिमूव हो यीशु के नाम से, टीबी रिमूव हो, मेरी स्पेशल बीमारियों के लिए प्रार्थना, बीमार चंगे हो जाए प्रभु, मिलजुल कर शिफा चर्च घर हम बना सके, जिसके द्वारा प्रभु तेरी हमदो सेना हो सके प्रभु, इनके बीजों को ब्लेस कर, इनकी कमाई को ब्लेस कर, इनके बच्चों को ब्लेस कर परमेश्वर, आज का वचन इनको ब्लेस करे, चेंज हो जाए, पलट जाए इनकी लाइफ परमेश्वर, नई नई गुड न्यूज के साथ ब्लेस होते जाए, आगे बढ़ते जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमेन आमेन हालेलुया। और गॉड ब्लेस यू। एक बात मैं मन की बात कहना चाहता हूँ, जब मैं ऑनलाइन फ्राइडे मीटिंग करता हूँ, ऐसा नहीं मन मेरा कि जल्दी मैं इस मीटिंग को क्लोज करूँ, बट हमें टाइम देखना है और इस टाइम पीरियड में हमने इस मीटिंग को क्लोज करना है। प्रभु आपको बहुत सी आशीष दे। और शिफा चर्च में संडे को मिलते हैं, ले हैंड स्पेशल प्रेयर है और इसको रिसीव करना है। अपनी पूरी फैमिली के साथ आएं और परमेश्वर के भवन को देखें और वहां पर प्रार्थना करें और मिलके प्रभु की आराधना करें। सबको जैम्स की प्रेज द लॉर्ड, आमेन हालेलुया। और एक बार फिर से कंग्रेचुलेशन, आमेन।